98 मॉडल की लैंड क्रूजर जिसको LC300 में टोटली कन्वर्ट कर दिया गया। गाड़ी कैसी लगी आपको? बहुत ही पसंद आई यार। 98 मॉडल मुझे देखे गए थे आप LC300 बनाने के लिए, अब बेहतरीन हो गई है। बिल्कुल, मैं तो शॉक में हूँ कि मैं गाड़ी कौन सी देख गया हूँ और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो कौन सी गाड़ी है। सर मार्केट में जो करते हैं ना प्रोटीन, जी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें वो चीज़ नज़र नहीं मुझे आ रही। हमारे पास गाड़ी आती है इतनी देर पुटरी लगाई होती है, बट आप भी गाड़ी ओके है सर? बिल्कुल फिटिंग में मैंने मेन बात की है, फिटिंग्स प्रॉपर और बंपर्स भी प्रॉपर अपने क्लिप टू क्लिप, जैसे कि ओवर फेंडर्स किसी किसी में कोई गैप नहीं है। साइड मिरर्स चेंज किए गए हैं जो कि गाड़ी को एक इंडिकेटर भी इसके अंदर ऑन होता है और गाड़ी को एक प्रॉपर न्यू लुक में हर चीज की जाती है। लैंड क्रूजर के ऊपर इम्बॉज है प्रॉपर, इसको न्यू लुक में एयर प्रेशर क्रोम ऑयल लगाए गए हैं। मार्केट में ये चीज़ भी बहुत लोकल टाइप मैंने देखी गाड़ी के ऊपर और बहुत छोटी बारीक से लगाते हैं, बट आपको दिखाते जाए तो पूरी इसके न्यू मॉडल की तरह जो इसकी आती है वेदर स्ट्रिप प्रॉपर बड़े क्रोम वाली इसको वो लगाई गई है। बम्पर्स की, इसकी फेंडर्स की, बोनट्स की, हाँ जी बिल्कुल सेम है वो। ठीक है, तो भाई जो इंटीरियर में आपने ड्यूल एसी लगवाया है और गाड़ी का हमने रूम चेंज किया पूरा, आप ग्रे देखे गए थे, मैंने बेज किया बिल्कुल ऐसे ही है वो प्रॉपर, अब एक्यूरेट अपनी जगह पे बिल्कुल सेम पीस टू पीस कलर हुआ है ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैफ फ्रॉम मोटरसेलमान व्यूअर्स। जैसे कि आपको डे बाय डे रोज नई से नई गाड़ी दिखाते हैं, आज एक और प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँ, ये गाड़ी मेरे पास जो खड़ी है इसका टोटली रिव्यू करेंगे। 98 मॉडल की लैंड क्रूजर जिसको LC300 में टोटली कन्वर्ट कर दिया गया। मैं इसके ऊपर बात करूँ, सबसे पहले तो हम जो आज इसका लेट नाइट रिव्यू कर रहे हैं और क्लाइंट भी साथ ही हैं, क्लाइंट से भी बात करेंगे। उससे पहले हम गाड़ी का रिव्यू करेंगे, गाड़ी के अंदर क्या क्या हमने चेंजिंग की है और कैसे कैसे किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ लगाई है। उससे पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ इसके अंदर टोटली गाड़ी, आपको बता दें 98 मॉडल की लैंड क्रूजर जिसको फेस लिफ्ट किया LC300 में टोटल OEM स्टाइल, जैसे कंपनी जापान से गाड़ी आती है सेम वही गाड़ी एक बार फिर से बनाई गई है। इसके अंदर हेडलाइट चेंज की गई है, बोनट चेंज किया गया है, इसका बंपर जैसे कि एक ओरिजिनल गाड़ी को आता लग के OEM स्टाइल में बंपर इसको और बॉडी के इसको मल्टीस्टार स्टाइल के लगाई गई है, जो कि गाड़ी को फ्रंट से एक न्यू लुक और प्रॉपर ओरिजिनल लुक दे रही होती है गाड़ी को। इसके अंदर LED, इसके अंदर हेडलाइट इसको LC300 में जो कि रनिंग स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत इसके इंडिकेटर्स चलते हैं, इसको वो इसके अंदर फिट कर दी गई है। उसी के साथ इसका बोनट, इसके साइड फेंडर, हर चीज़ इसको OEM स्टाइल LC300 की लगा दी गई है। इसके ऊपर गाड़ी के अंदर मेन बात आपको बताते जाएँ, जैसे कि अदर्स इदारे काम कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, हमारे पास कंप्लेंट्स भी आते हैं कि जब लोग गाड़ी बनवाते हैं तो बहुत से उसमें फ़र्क आते हैं, गाड़ी के अंदर बहुत से मसले आते हैं, क्रिएट होते हैं। मैं आपको दिखाता जाऊँ गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी की फिटिंग्स की बात की जाए तो बोनट और फेंडर में भी बहुत से गैप्स होते हैं, उसी के साथ साथ बम्पर्स में भी बहुत गैप्स होते हैं, बट ये ऑटो चैनल 1 पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता जाऊँ इसके अंदर कहीं पे किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, एक्स्ट्रा गैप कोई नहीं है और बम्पर्स भी प्रॉपर अपने क्लिप टू क्लिप, जैसे कि ओवर फेंडर्स किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। हमें अक्सर क्लाइंट्स की ये कंप्लेन होती है कि जो फेस लिफ्टेड गाड़ी है उनके अंदर कंप्लेंट्स बहुत आती हैं, बम्पर अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ होता कभी, या कभी फेंडर्स का बहुत इशू होता है। तो गाड़ी के अंदर देखते हैं मेन चीज़, इस चीज़ पर भी आज बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर फ़र्क आते हैं और लोग क्या क्या इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड प्रोफाइल में इसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया। इसके साइड फेंडर्स लगा दिए गए हैं, उसी के साथ इसके एलो व्हील्स भी चेंज किए गए। मैं अक्सर ही गाड़ियों को देखता हूँ जो कि पूरी गाड़ी बना देते हैं बट अलॉय व्हील को जो है ना आफ्टर मार्केट डाल के गाड़ी की एक शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या, इसके अंदर मजीद क्या चेंज हुआ है। इसको अलॉय व्हील्स भी LC300 का और ओरिजिनल OEM स्टाइल का लगाया हुआ है। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया इसके ऊपर फिटिंग्स पे आज मैंने मेन बात करनी है, तो फिटिंग इसके साइड डोर्स और फेंडर्स में भी कोई गैप नहीं है, प्रॉपर लाइन टू लाइन अलाइन है। ये हमारे डोर की लाइन है, ये फेंडर आ गया, उसी के साथ हमारा ये बोनट आ गया, प्रॉपर लाइन टू लाइन गाड़ी की इसके अंदर अलाइनमेंट की गई है, हर चीज़ अपनी जगह पर बैठी हुई है। गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस टाइम, मैं आपको दिखाता जाऊँ। तो आज गाड़ी बस लेट नाइट हो गए, क्लाइंट को कुछ उन्हें अर्जेंटली उन्हें गाड़ी चाहिए थी तो जिसकी वजह से मैं कल नहीं दे सका, तो अगर कल दिन में रिव्यू होता तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता। साइड प्रोफाइल में इसके साइड मिरर चेंज किए गए हैं जो कि गाड़ी को एक इंडिकेटर भी इसके अंदर ऑन होता है और गाड़ी को एक प्रॉपर न्यू लुक में हर चीज़ की जाती है। मैं आपको बताता जाऊँ, कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं क्लाइंट्स के साथ कि आपके साइड मिरर्स में फ़र्क आता है या बेसिस में फ़र्क आता है, बट मैं आपको इसके अंदर बताता जाऊँ तो ओरिजिनल LC300 के साइड मिरर भी डोर पर आते हैं, जैसे कि इसको हमने यहाँ पर लगाए हैं एज इट इज ओरिजिनल, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसकी ये चीज़ यहाँ पर ही लगती है। उसी के साथ इसके साइड प्रोफाइल तो कम्प्लीटली चेंज है, आपको इसके अंदर दिखाता जाऊँ इसके एयर प्रेसेस चेंज किए गए,
लैंड क्रूजर पर इम्बॉज, लैंड क्रूजर के ऊपर इम्बॉज है प्रॉपर, इसको न्यू लुक में एयर प्रेसेस क्रोम वाले लगाए गए हैं। उसी के साथ इसको वेदर स्ट्रिप्स आपको दिखाते जाएँ, तो जो लोग इस चीज़ को बुरशी बोलते हैं, हम इसको वेदर स्ट्रिप जो इसका लीगल नेम है वो हम इसका यूज़ करते हैं। और इसके अंदर आपको दिखाता जाऊँ इसको जो वेदर स्ट्रिप्स लगाई है मार्केट में, ये चीज़ भी बहुत लोकल टाइप मैंने देखी गाड़ी के ऊपर और बहुत छोटी बारीक से लगाते हैं। बट आपको दिखाते जाएँ तो पूरी इसके न्यू मॉडल की तरह जो इसकी आती है वेदर स्ट्रिप प्रॉपर बड़े क्रोम वाली इसको वो लगाई गई है। उसी के साथ इसके डोर्स के हैंडल्स चेंज किए गए हैं, जो कि गाड़ी की एक जान होती है गाड़ी के अंदर, मतलब कि हर चीज़ गाड़ी की जान है। जब हम एक चीज़ को प्रॉपर इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रॉपर हर चीज़ हम लगाएंगे उसको उसी मॉडल की, फिर ही गाड़ी आपकी अच्छी बनेगी और गाड़ी के अंदर मज़ा भी तभी आएगा। मतलब कार्टून तो हर बंदा बना रहा है, फ्रंट पे कुछ लगा देते हैं, बैक पे कुछ लगा देते हैं, साइड पे एक और चीज़ बताऊँ तो आपको, जैसे इसके साइड स्कर्ट्स लगाए गए हैं, इसको हम साइड स्कर्ट्स LC 300 वाले ही यूज़ करते हैं, जो कि साइड स्कर्ट्स में भी इसके लाइट्स आती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साइड स्कर्ट्स में लाइट नहीं आती। ये देखें, जैसे हमने इसका डोर ओपन किया, इसकी लाइट इसके अंदर बार स्टाइल लाइट आती है। वैसे जो ओल्ड मॉडल के लैंड क्रूजर के उसके अंदर बल्ब आता है, बट इसके अंदर बार स्टाइल में LED ऑन होती है इसकी साइड स्कर्ट्स की। उसी के साथ साथ बैक की तरफ चलते हैं, बैक पे जाते जाते आपको एक बैक प्रोफाइल पे साइड क्वार्टर भी दिखाता जाऊँ तो, जो कि प्रॉपर इसको लगा दिया गया LC 300 स्टाइल में क्रोम, जो गाड़ी को एक बैक से देखने में प्रॉपर बैक की जान लगती है। हैंडमेड तो हर बंदा लगाता है, बट ऑटो चैनल 1 पे आपको सिर्फ प्रॉपर हर चीज़ इसकी ओरिजिनल लगती है। ये आप ओरिजिनल गाड़ी के साथ भी देखेंगे तो सेम शेप में इसके क्रोम आता है LC 300 वाला। बैक पे चलते हैं, उससे पहले आपको एक और मेन चीज़ दिखाता जो 70 एनिवर्सरी, जो कि हम अपनी किसी गाड़ी में नहीं भूलते। हर गाड़ी में जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे लगती है फिट होती है, हर चीज़ लगा के देते हैं ऑटो चैनल 1 पे ही सिर्फ। उसी के साथ बैक का रिव्यू करेंगे, इसके बाद इंटीरियर पे भी चलेंगे। बैक पे बात करते हैं तो बैक के अंदर इसको बैक लाइट्स लगाई गई हैं, बैक का ट्रंक चेंज किया है, अपर एंड लोअर दोनों चेंज किए गए, उसका बैक का बम्पर, बैक बम्पर सेल्स, और इसके साथ साथ इसकी बॉडी के जो कि ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ आपको मैं दिखाते जा रहा हूँ, इसको प्रॉपर लगा दी गई है हर चीज़ इसके अंदर। OEM स्टाइल के लगा दी गई है, V8 भी इसको लगाया गया, V8 ZX भी लगाया गया। उसी के साथ साथ इसके इंटीरियर की तरफ भी चलेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ इसके अंदर बैक का स्पॉयलर भी चेंज किया गया, मतलब कि फ्रंट बैक साइड से हर जगह से आपको OEM स्टाइल में गाड़ी LC 300 रेडी है। अब लास्ट में क्लाइंट से भी बात करेंगे, उससे पहले हम इंटीरियर पे बात करेंगे ताकि हमारे व्यूज के पता चले कि सैफ या ऑटो चैनल 1 सिर्फ बातें करते हैं या काम भी करके दिखाते हैं, तो वो हमारा जो उनसे सबूत होगा वो हमारे क्लाइंट होंगे। चलते हैं इंटीरियर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर इंटीरियर फिट कर दिया गया, डैशबोर्ड, इसके डोर्स के ट्रिम्स, इसकी फ्लोर मैटिंग, इंटीरियर किट, हर चीज़ इसको लगाई गई है OEM स्टाइल में। मैंने आपको बताया डैशबोर्ड इसका चेंज किया गया, प्रॉपर इसका डैशबोर्ड की फिटिंग मैं आपको दिखाता जाऊँ, प्रॉपर अपनी जगह पर डैशबोर्ड बैठा हुआ है और इसके डोर्स के ट्रिम्स भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको इसके डोर्स भी ओपन करके दिखाता हूँ, मतलब किसी किस्म की कोई इसके अंदर आवाज़ डोर ओपन करते हुए कोई शोर नहीं है। 1 पुश पे आपका डोर इसका ओपन हो जाता है और इसका 1 पुल पे आपका डोर क्लोज हो जाता है। मैंने तो ऐसे भी देखी है गाड़ियाँ जो बार बार बंद करते रहते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं होता। उसी के साथ इसके डोर्स के ट्रिम भी चेंज, डोर के ट्रिम्स भी चेंज कर दिए गए। टेस्ला को LC 300 स्टाइल में डबल स्क्रीन में लगाया गया, जो कि गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत लुक देता है अंदर से भी। वैसे तो लोग मैंने देखा है LC 300 बाइक से LC 300 अंदर से 2021 वाली बना देते हैं ओल्ड मॉडल की। इसके अंदर टेस्ला LC 300 वाला लगाया गया, आपको दिखाते हैं जैसे बाइक से गाड़ी बनी LC 300, हमने इसका इंटीरियर भी LC 300 बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हर गाड़ी हम जो बाइक से बनाते हैं प्रॉपर वही लुक उसे अंदर से देते हैं। वरना मैंने गाड़ियाँ भी देखी हैं जो कि बाहर से तो LC 300 कार्टून बनाते हैं और अंदर से उसको 2000 पुराने मॉडल 2018 वाला टेस्ला लगा देते हैं, 15 वाला टेस्ला लगा देते हैं, बट वो बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं क्लाइंट्स के साथ। क्लाइंट्स से मिसिंग ये होती है कि क्लाइंट्स को पता नहीं होता, वो इस वजह से क्लाइंट्स को मिस गाइड कर जाते हैं। जैसा आपको बताता जाऊँ इसके अंदर इसके टेस्ला इसको लगाया गया LC 300 स्टाइल में। उसी के साथ इसका स्टेयरिंग भी प्रॉपर इसको न्यू लुक में GR स्टेयरिंग लगाया गया, जो कि प्रॉपर ब्लैक कलर, जैसे कि डैशबोर्ड का इसका ब्लैक कलर का स्टेयरिंग और इसका ब्लैक वुड में स्टेयरिंग बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है गाड़ी को। इसका मल्टीमीडिया हर चीज़ के अंदर ऑपरेट है, जैसे मैं अपने स्क्रीन पर दिखाऊँ आपको, मैं इसका वॉल्यूम अप कर रहा हूँ और ये अप हो रहा है, जैसे ही डाउन कर रहा हूँ तो ये डाउन हो रहा है। इसका मीटर लगाया गया, मीटर के हर फंक्शन इसके ऑपरेट है, मैं आपको दिखाता जाऊँ इसके डोर्स के, हैंड ब्रेक्स के, हर चीज़ के अंदर ऑपरेट है। हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी की है, इसके अंदर स्पीडोमीटर, इसकी RPM हर चीज़ का ऑपरेट है। आपको इसके अंदर मीटर की बात करें तो मीटर भी आपको इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, डिजिटल मीटर इस पर लगाया गया और हर चीज़ की ऑपरेट है। उसी के साथ साथ इसकी सीट्स चेंज की गई, सीट्स के कवर चेंज किए गए, जो कि गाड़ी को पूरा आपको बताते जाऊँ तो इसके अंदर एक और मेन चीज़ बताऊँ मैं अपने व्यूज़ को। गाड़ी पूरी ग्रे रूम में थी, ओल्ड मॉडल 98 मॉडल की गाड़ी,
ऑलमोस्ट अमेजोन ग्रे ही आता है। तो गाड़ी का पूरा रूम भी बेच किया, इसको ड्यूल एसी नहीं था, ड्यूल एसी भी इसमें लगाया गया। पूरी एक गाड़ी को शशके वाली गाड़ी भी बेसिकली ओईएम गाड़ी है कि हमने बनाई है, मतलब इसके अंदर एक दो चीज़ें मिसिंग है बट वो आफ्टर मार्केट आ जाती है। जो कंपनी लगा के देती है LC300 में वो हर चीज़ के अंदर कम्प्लीट है, इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज़ में कम्प्लीट है। इसका कंसोल बॉक्स भी आपको दिखाता जाए, जो सीट्स के कलर का सीट्स के ऊपर से वैसा रैप है बट आपको कंसोल से सीट्स के कलर्स में भी आपको आइडिया हो जाएगा। प्रॉपर एक बेज कलर इसको लगाया गया जो कि ओरिजिनल बेज आता है, उसी के साथ इसको सीट्स कवर बनाए गए हैं जो कि LC300 का स्टाइल, ऑटो स्टाइल वन हमारा अपना डिज़ाइन इसके ऊपर हम लगाते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, फ्लोर की मैटिंग की गई है, ऊपर के फ्लोर्स के मैट डाले हैं। तो व्यूअर्स अब लास्ट पे आपको गाड़ी का रिव्यू बाहर से करवाया, अंदर से करवाया, अब चलते हैं क्लाइंट रिव्यू की तरफ जो कि गाड़ी की और वीडियो की मेन बात। तो व्यूअर्स गाड़ी का रिव्यू तो मैंने कंप्लीट कर दी, आप भाई से पूछते हैं, भाई आए हैं इनकी गाड़ी का काम कैसे में, जो गाड़ी के ओनर है इनसे पूछेंगे, सैफ सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या काम भी करके दिया क्लाइंट को। क्लीम भाई जो गुजरात से बिलोंग करते हैं इनसे बात करेंगे, इनकी गाड़ी इन्हें कैसे लगी है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह गाड़ी कैसे लगी आपको? बहुत ही पसंद आई है। 98 मॉडल मुझे देख के गए थे आप LC300 बनाने के लिए, अब बेहतरीन हो गई है। बिल्कुल, मैं तो शॉक में हूं कि मैं गाड़ी कौन सी दे गया हूं और इस वक्त जो मैं देख रहा हूं वो कौन सी गाड़ी है। अच्छा माशाल्लाह, क्लाइंट भाई कहते हैं मैं शॉक्ड हो गया हूं कि गाड़ी मेरी वो थी कि मैं कौन सी थी, मैं जो दे गया हूं वो तो है नहीं। बिल्कुल। तो भाई काम आपको कैसा लगा? काम पसंद आया, फिनिशिंग के लिहाज से अच्छा मुझे पसंद आया। अच्छा, और माशाल्लाह पेंट भी इसका अच्छा है। पेंट भी अच्छा, पेंट जब आपने देखी है गाड़ी मार्केट में, आपने शायद अपनी गाड़ी पहले भी देखी थी। बिल्कुल, तो उनसे बेहतर है गाड़ी या मुझे बताएंगे कुछ? हाँ सी, उससे काफ़ी बेहतर है क्योंकि अक्सर मार्केट में जो करते हैं ना प्रोटीन, जी जी जी, बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें वो चीज़ नज़र नहीं मुझे आ रही। हमारे पास गाड़ियाँ आती है इतनी सी प्रोटीन लगाई होती है बट आपकी गाड़ी ओके है सर? बिल्कुल इसको है। फिटिंग में मैंने मेन बात की है, फिटिंग्स प्रॉपर? हाँ जी, बम्पर्स की, इसकी फेंडर्स की, बोनट्स की? हाँ जी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो भैया जो इंटीरियर में आपने ड्यूल एसी लगवाया और गाड़ी का हमने रूम चेंज किया पूरा, आप ग्रे देके गए थे, मैंने बेज किया, बेज किया बिल्कुल ऐसे ही है वो प्रॉपर, अब एक्यूरेट अपनी जगह पे, बिल्कुल सेम पीस टू पीस कलर हुआ है, ऐसे ही है, ठीक हो गया। और गाड़ी का फ्रंट बैक साइड्स किसी किस्म की कोई कंप्लेन या कोई चीज मिस होगी हो? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, और क्लीम भाई मुझे एक और सवाल बताएं कि हमने जब आपसे जो मेरी डील हुई है जी जी, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया हो कि भैया इस चीज़ के पैसे रह गए थे या ये चीज़ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा सिर्फ आपको मैंने गिफ्ट दिया होगा बट ऑटो जल वन पे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ऐड होते? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर देखिए क्लाइंट भी हैप्पी है अपनी गाड़ी से कि गाड़ी का काम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हुआ है, तो इसके लिए आपको आना पड़ता है ऑटो जल वन पे। तो आप भी अगर अपनी गाड़ी को बनवाना चाहते हैं इसी तरह की LC300 कोई भी मॉडल 98 के बाद वाला और अच्छा काम चाहते हैं, ओरिजिनल के करीब चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा ऑटो चैनल वन पे। तो व्यूअर्स मुझे दें इजाज़त और मेरे भाई को दें इजाज़त। भाई जान लास्ट बात जो मेन बात है, आपको मैंने कुछ सिखाया तो नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं कि हमारी वीडियो में ये बोले या ये बोले, तारीफ ही करनी है मेरी? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अल्लाह को जो चीज़ नजर आ रही है वही बता रहा हूँ क्लियर। ठीक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। तो फिर आप भी अपनी गाड़ी को बनवाना चाहते हैं किसी भी मॉडल को, तो आपको आना पड़ेगा ऑटो सलमान पे। ले भाई जान, क्लीन भाई आपको अभी गाड़ी मुबारक हो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।